हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एसके अकाउंट क्लासेस। तो आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है, हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया है। हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके दे देंगे, आप उसको भी देख लीजिएगा एक बार। तो आज हमारा सेकंड क्वेश्चन है आपके अकाउंटिंग के क्वेश्चन का, स्टार्ट बिजनेस विथ कैश 50,000। वैसे ही ट्रांजेक्शन है जैसे हमारे पहले वाले क्वेश्चन में थे, जैसे कि इसमें 50,000 दिया, उसमें 30,000 अमाउंट था। तो कहाँ कहाँ हमारा बढ़ेगा? कैश में 50,000, जीरो स्टॉक, जीरो फर्नीचर, जीरो क्रेडिटर्स, और पड़ गया कहाँ? कैपिटल में आपका LHS और RHS दोनों इक्वल चल रहा है। अगला देखते हैं, परचेज फर्नीचर फॉर कैश 6,000। कैश से हम खरीदे फर्नीचर तो अपना माइनस कहाँ करेंगे? 6,000 कैश में, क्योंकि हमारा कैश गया और स्टॉक से मेरे को मतलब ही नहीं है। प्लस 6,000 हो गया हमारा फर्नीचर में, 6,000 रुपये फर्नीचर आ गया। यहाँ भी जीरो, यहाँ भी जीरो, नो इफेक्ट ऑन लाइबिलिटी साइड्स। यहाँ जो इफेक्ट पड़ा प्लस हुआ माइनस हुआ, इधर भी बैलेंस जीरो, इधर भी बैलेंस जीरो। नेक्स्ट है, पहले हम यहाँ पे आपका न्यू इक्वेशन बना लें। कितना आया? 50 माइनस 6, 44,000। स्टॉक जीरो चल रहा है, फर्नीचर आपका हो गया 6,000, जीरो प्लस 44 प्लस 6 50, इधर भी 50,000 दोनों तरफ। आगे क्या है? परचेज गुड्स फ्रॉम राम ऑन क्रेडिट 15,000। क्रेडिट पे खरीद रहे हैं, याद रखिएगा, कैश में असर नहीं पड़ेगा। प्लस स्टॉक बढ़ गया कितने से? 15,000 से, जीरो। क्रेडिटर्स हमारे कितने बढ़ गए? 15,000, क्योंकि हमने क्रेडिट पे लिया ना, अब हमको उनको देना है। न्यू क्वेश्चन फिर से बना लेते हैं। 44,000 प्लस 15,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 15,000 प्लस 50,000, दोनों तरफ हमारा बैलेंस कितने का आ रहा है? 65,000 का। आगे है विड्रॉ कैश फॉर 4,000 और गुड्स फॉर 5,000 पर्सनल यूज। अब हम पर्सनल यूज के लिए निकाल रहे हैं तो अपने बिजनेस से निकालेंगे। कैश में से माइनस होगा, स्टॉक से माइनस होगा, कैपिटल से भी माइनस होगा। ये डिक्रीज इन एसेट, डिक्रीज इन लाइबिलिटी साइड दोनों साइड का है। इफेक्ट पड़ेगा दोनों तरफ पड़ेगा, एक साइड ही पड़ेगा तो बैलेंस नेगेटिव ही आएगा, मतलब जीरो नॉर्मल ही रहेगा, मतलब न्यूट्रल बैलेंस। तो यहां से 4,000 माइनस कर देंगे और स्टॉक कितने से? 5 से। यहां जीरो इफेक्ट पड़ रहा है, क्रेडिटर से तो हमारा कोई मतलब ही नहीं है। अब देखिए यहां पर ये नहीं लिखना कि 1,000, माइनस का साइन है, नेगेटिव साइन दोनों है। यहां पे हमारा इक्वल बैलेंस दिखाने के लिए क्या लिख देंगे? माइनस का 9,000। अब न्यू क्वेश्चन बना लें, कितना आएगा? 44 में से 4 गया, 40,000 प्लस 10,000 प्लस 6,000 इक्वल टू 15,000 प्लस 41,000। बैलेंस एक बार देख लीजिए कितना आया, 56,000। यहाँ भी 56,000, दोनों तरफ इक्वल आ रहा है। अब हम देखते हैं अपना फिफ्थ, सिक्स और सेवेंथ इक्वेशन ट्रांजेक्शन क्या क्या है। तो देखिए यही क्वेश्चन हमारा बना था न्यू इक्वेशन फोर्थ करने के बाद, फोर्थ ट्रांजेक्शन के बाद। 40,000, 10,000, 6,000, 15,000 और 41,000, टोटल कितना था? 56,000। अब देखते हैं आगे क्या है। सोल गुड्स 8,000, प्रॉफिट कितना? 25%। अब देखिए एक गुड्स था वो हमारा 8,000 रुपए का था, मगर उससे हमने बेचा है प्रॉफिट पे, मतलब 25% उस पर प्रॉफिट दिया। 25% 8,000 का कितना होता है? 2,000 रुपीज। आप निकाल लीजिएगा, आएगा ही 2,000 रुपीज आएगा, उसको ऐड करके करेंगे तो हमारा कितना हमें प्रॉफिट हुआ? 10,000 प्लस स्टॉक से हमारे माइनस हो रहा है तो माइनस साइन लगाएंगे। 8,000 का हमारे स्टॉक से गया, फर्नीचर से कोई मतलब नहीं है, क्रेडिटर्स हमारे जीरो, हमारा प्रॉफिट कितना हो रहा है? 2,000 से।
तो देखिए हमारा इक्वेशन जो था वही बड़ा, 10,000 माइनस 8,000 कितना हो गया 2,000, वेरी इजी। अब न्यू क्वेश्चन क्या बनेगा, 50,000 माइनस कर देंगे 2,000 आ गया, प्लस 6,000 इज इक्वल टू 15,000 प्लस 43,000 कितना आया 58,000। दोनों तरफ आप देख सकते हैं 58 है। अब पेड टू क्रेडिटर्स, अब हम क्रेडिटर्स को अपने पे करेंगे तो किसमें कटेगा किसमें बढ़ेगा, पे कर रहे हैं हमारे पास से क्या जा रहा है, कैश जा रहा है, तो हमारा कैश कम हो गया 10,000 रुपए से, 10,000 रुपीज कम हो गया। नो इफेक्ट ऑन स्टॉक एंड फर्नीचर, क्रेडिटर्स से भी हमारा कम हो गया। अब देखिए इसका मतलब ये नहीं हम पे कर रहे हैं तो कम हो रहा है ना, अब जितना बचेगा इसमें से, जैसे 15,000 है उसमें से 10,000 कम कर दिए, अब हमें 5,000 देना है ना कि 25। नो इफेक्ट ऑन कैपिटल। अब न्यू क्वेश्चन क्या आया, 40,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 इज इक्वल टू 5,000 एंड 43,000 कितना आ गया दोनों तरफ 48 आया। अब आगे देखिए, रिसीव इंटरेस्ट 2,000, हमने जो इंटरेस्ट है वो रिसीव किया, क्या आया हमारे पास कैश प्लस 2,000। नो इफेक्ट एंड देन 2,000 हमें जो इंटरेस्ट मिला है वो हमारे कैपिटल में, तो मतलब बिजनेस में तो मिला है ना, तो हमारे बिजनेस रिलेटेड है इसलिए कैपिटल में जाके उसको ऐड कर देंगे ना कि क्रेडिटर्स में। तो लास्ट इक्वेशन हमारा क्या बना, 42,000 प्लस 2,000 प्लस 6,000 और यहाँ 5,000 प्लस 45,000 कितना आ रहा है दोनों तरफ 50। तो यहाँ हमारा आ गया 50,000 दोनों तरफ बैलेंस आ चुका है एसेट और लाइबिलिटी प्लस कैपिटल का। तो यहाँ हमारा सेकंड क्वेश्चन खत्म होता है। सो गाइस थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, अब मिलेंगे हम क्वेश्चन 3 के साथ और कई सारे नए नए ट्रांजैक्शन जितने भी होंगे हम सारों मतलब जितने भी सब के बारे में जानेंगे।